हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ फ्री फायर। तो अब सभी लोगों को पता है कि फ्री फायर में AK जो गन है वो एक बहुत अच्छा गन है, लेकिन बहुत लोगों को AK ठीक से चलाना नहीं आता और वो AK नहीं लेता। तो AK कैसे चलाना है और कैसे आपको AK से बेस्ट ऑफ बेस्ट डैमेज पाना है, इस वीडियो में हम सारी जानकारी आपको देंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को ऑन कर दो, क्योंकि इस चैनल में मैं ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो ये जो AK है फ्री फायर में एक बहुत अच्छा गन है, बट बहुत प्लेयर इसे नहीं लेता क्योंकि उसे अच्छे से AK चलाना नहीं आता। तो AK का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है AK का रिकॉइल। AK का रिकॉइल सबसे ज़्यादा होती है और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गोली मिस हो जाते हैं। तो AK का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और जो भी AK चलाता है उसे पता होगा AK का रिकॉइल कितना ज़्यादा होता है। इस वीडियो में आपको बताऊँगा AK का रिकॉइल कैसे कम किया जाए और कैसे सारे गोली जो है वो एनिमी के पास ही जाके लगे। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्री फायर में 3 तरह की टेक्निक होते हैं फायर करने का। तो ये जो पहला टेक्निक है ये है कॉन्टिन्यूसली फायरिंग, मतलब अगर आप फायर बटन को दबा के रखते हो और एक बार भी नहीं छोड़ते हो तो सारे गोली बैक टू बैक बंदूक से निकल जाएगा, और इसे कॉन्टिन्यूसली फायर कहते हैं। सेकेंड टेक्निक है जूम इन जूम आउट, मतलब एक बार जूम करना, फिर जूम करके गोली मारना, और फिर से जूम ऑफ करना, और फिर से ऑन करके गोली मारना। इस तरह से ये टेक्निक होता है। तीसरा जो फायर करने का टेक्निक है वो है टैप टैप करके फायरिंग, मतलब आप जूम करने के बाद एक टैप से एक गोली और टैप टैप करके आपको गोली चलाना चाहिए। तो इसे कहते हैं टैप टैप करके फायरिंग। तो ये जो तीनों टेक्निक है, इन तीनों टेक्निक में से आपको कौन सा AK में यूज़ करना है, तो ये मैं एक एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। मैं इस जगह पर आ चुका हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे AK को चलाना है और कैसे AK यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज पा सकते हो। तो आप समझ लीजिए कि वो जो सामने वाला मेरे सामने जो पेड़ है वो एक एनिमी है। तो इसमें मैं ट्राई करूँगा कॉन्टिन्यूसली फायरिंग, जो एक टाइप की फायरिंग होते हैं। तो आप देख सकते हैं जब मैं कॉन्टिन्यूसली फायरिंग कर रहा हूँ तब जो AK का रिकॉइल है सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो आपको कभी कॉन्टिन्यूसली फायरिंग नहीं करना है AK के साथ, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा बुरा है AK के लिए। उसके बाद हम आते हैं दूसरा फायरिंग टेक्निक में, जो है जूम इन जूम आउट। तो मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ इस पेड़ में, तो आप देख सकते हैं मैं जूम इन जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ कैसे जूम इन जूम आउट करके आप AK को देख सकते हैं। तो जूम इन जूम आउट में जब कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जूम करने के बाद जूम आउट जब कर रहा हूँ तो गोली जो है तो बाहर जा रहा है। तो आपको कभी जूम इन जूम आउट नहीं करना है AK के साथ, क्योंकि अगर आप जूम इन जूम आउट करते हो AK के साथ तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके बाद मैं आ चुका हूँ लास्ट टेक्निक में, जो है टैप टैप करके फायरिंग करना। तो टैप टैप जो ये फायरिंग है तो ये है AK का सबसे खास टेक्निक। तो इस टेक्निक को अगर आप यूज़ करते हो तो AK से आपको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज मिल सकते हैं, और इससे आप बहुत अच्छा गेम प्ले कर सकते हो। तो हमेशा AK को टैप टैप करके चलाना चाहिए, और टैप टैप अगर आपको टैप टैप करना नहीं आता है तो टैप टैप करना जो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप AK लेके आसानी से एनिमी को मार सकते हो टैप टैप करके। तो पहले जो दो टेक्निक थे वो दोनों टेक्निक ही बेकार थी AK के लिए, बट ये जो टेक्निक है लास्ट वाला टैप टैप, तो यही है बेस्ट टेक्निक AK चलाने का। तो ये टैप टैप फायरिंग प्रोसेस को AK में यूज़ कीजिए और अच्छा गेम प्ले करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय।